नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। नतीजों से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। कम मतदान वाले बूथ को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर स्लो वोटिंग का आरोप लगाया है। 3 दिसंबर का इंतजार है, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कम मतदान वाले बूथ को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर मतदान की धीमी रफ्तार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से मतदान वाले दिन की शिकायत भी की थी। कई ऐसे पोलिंग सेंटर हैं जिन पे मतदान कम हुआ है, और ये भी देखा गया उसमें कई जगह वहाँ के पीठासीन अधिकारी, उस सरकारी जो कर्मचारी थी, मशीनरी थी, उनकी कमी पाई गई। कई जगह हमने शिकायत भी की है कि जितना समय एक वोटर को मतदान करने में लगता है उससे कई ज़्यादा समय लगा। बल्कि भोपाल में कई अधिकारियों, जैसे चारमली क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान हुआ, क्योंकि लोग पर्याप्त आए और मतदान नहीं हो पाया, तो ये बताता है कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। देखिए, कांग्रेस तो पराजय के बहाने तलाशना शुरू कर चुकी है। ईवीएम धनबल का दुरुपयोग, कभी डाक पत्र की बात करते ही अब एक नई बहाना लेकर सामने आ गई कि मतदान की गति धीमी रखी गई। ये सब विषय चुनाव आयोग के विषय है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है, वो चुनाव कराता है। तो मतदान की गति धीमी थी या नहीं थी, कांग्रेस सच कह रही कि झूठ कह रही, ये चुनाव आयोग तय करे। कांग्रेस चुनाव आयोग से बातचीत करे। चुनाव निकलने के बाद जब हार की स्थिति स्पष्ट है कांग्रेस के लिए, तो ये सब बातें करके कांग्रेस को ग्राउंड बना रही है ताकि 3 तारीख को मुंह छुपा सके। अब कांग्रेस हार के बहाने खोज रही है या बीजेपी जनता के साथ है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इंतजार कीजिए, जनता किसके साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ आज मैहर पहुंचे, यहां मां शारदा के दर्शन किए। सीएम ने कहा कि चुनाव में बहनों, बेटियों और किसानों का भरपूर समर्थन मिला। लाडली बहनों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिए। बीजेपी की अब तक सबसे बड़ी जीत होगी। थैंक यू। अरे वो मैंने ही पाने के लिए भेजा। स्पष्ट रूप से 3 तारीख को सब चीज सामने आएगी, लेकिन मेरी जहां भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनों का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। ग्वालियर में एक युवक जब प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो उसे गोली लग गई, उसका इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में एक युवक शादीशुदा प्रेमिका के घर पर संदिग्ध हालात में गोली लगने से घायल हो गया। घटना झांसी रोड थाना इलाके के देवनगर की है। पुलिस को खबर मिली कि एक युवक ने खुद को गोली मार ली। आनंद फानन में पुलिस पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रेम प्रसंग का मामला था, ये वहाँ पहुंचा था उसके घर में, तो लड़की का कहना यह है कि हमने इसको कमरे में बंद कर दिया और इसने गोली चला दी। तो इसके गोली पेट में लगी, जबकि लड़के का कहना यह है कि इसके पति ने, संदीप ने गोली मारी है। तो मामला थोड़ा सा अभी उलझा हुआ है, इसको क्लियर कर ले। मौके पर मिला था? नहीं, पति मौके पर है ही नहीं। वो लड़की का कहना यह है वो तो काम पर चला गया था। युवक अपने दोस्त के साथ प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां प्रेमिका ने उसको घर से जाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ, फिर युवक ने खुद को गोली मार ली। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मौके से कट्टा बरामद किया गया है। मिनी मुंबई में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा, यहां एक के बाद एक 3 मामले सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर के एक शख्स ने 5 महिलाओं से शादी की। ये कारनामा उसने फर्जी फूड अधिकारी बनकर किया। ये महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाता था, अपने को फूड इंस्पेक्टर बताता था। 5वीं शादी के बाद जो महिला उसके साथ रह रही थी, 8 महीने बाद उसे पता चला, तो उसने पुलिस में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। इधर मिनी मुंबई में ही विदेश भेजने के नाम पर 6 लाख की ठगी की गई। शख्स ने यूरोप भेजने के लिए इस व्यक्ति से संपर्क किया, फिर क्या था, मछली फंसी और ठग ने अपना रंग दिखाते हुए 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हीरानगर में छात्रा ने मोबाइल चलाने से मना करने की डांट पर खुदकुशी कर ली।
माँ ने बस इतना कहा था कि पहले खाना खा लो फिर मोबाइल चला लेना और डांट डपट दिया। इसके बाद बेटी नाराज होकर कमरे में गई और जान दे दी। उज्जैन में एक छात्र की प्रिंसिपल ने जमकर पिटाई कर दी। प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। महाकाल की नगरी में एक छात्र की प्रिंसिपल ने जमकर पिटाई कर दी। चिंतामणि इलाके में गो ग्रीन स्कूल की बस से छात्र घर लौट रहे थे। बस में 40 छात्र सवार थे। हसनपुरा के पास बस पहुंची ही थी कि बस पटाखे की आवाज से गूंज गई। ड्राइवर ने छात्र के बस में पटाखा फोड़ने की शिकायत प्रिंसिपल से की। फिर क्या था, प्रिंसिपल साहब मोटरसाइकिल से हसनपुरा पहुंचे, बस को रोका और छात्र की पिटाई की। घायल छात्र घर पहुंचा, इसे लेकर परिजन थाने पहुंचे और पुलिस में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रिंसिपल को थाने बुलाकर पूछताछ की है और छात्र को जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया। 10वीं क्लास के इस छात्र के शरीर पर पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। छात्र ने बस में बम फोड़ा, उसकी गलती है, लेकिन प्रिंसिपल को भी समझाइश देनी चाहिए। इतनी बेरहमी से पिटाई, इसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। चंबल जहां कभी डाकू रहते थे, अब वहां दबंगई होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे। इस रिपोर्ट की दो तस्वीर देखकर आप भी यही कहेंगे। मुरैना, जहां से मारपीट दबंगई की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं, अब चोरी के शक में दुकानदार ने दो लोगों को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। इनको डंडों से मारा गया। मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के ड्राई क्लीन शॉप का है, जहां से कंबल चोरी हो गया था। दुकान संचालक ने दो संदिग्धों को पकड़ा है, उसके बाद उनको वर्कशॉप में बंधक बनाकर सरिये से पीटा। ये अभी आपने मुझे वीडियो दिखाया है, उसमें ऐसा होते दिख रहा है। थाना प्रभारी को मैं इसमें बता दे रहा हूँ, मामला संज्ञान में आया है, जो भी होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। अब जरा इस युवक को देखिए। सिटी कोतवाली थाना इलाके की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहे पर किस तरह खुलेआम रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, बीच सड़क किस तरह से ड्रामा कर रहा है। पुलिस ने इससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। पुलिस और युवक के बीच झूमाझटकी भी हो रही है। पुलिस कितनी मुश्किल से युवक से रिवॉल्वर छीन पाती है, नहीं तो युवक कोई बड़ी वारदात कर देता। बड़ी खबर बालाघाट जिले से है, जहां धान खरीदी केंद्र पर करीब 13 करोड़ का धान खराब हो गया। ये धान किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, जो रखरखाव की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया। मामले में धान स्टोरेज करने वाली कंपनी गो ग्रीन के डायरेक्टर, स्टेट हेड और कंपनी के सलाहकार के खिलाफ स्टेट वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की ओर से शिकायत दी गई है। पुलिस ने डायरेक्टर सहित 3 कर्मचारियों पर FIR दर्ज की है। शर्तों के मुताबिक धान को सुरक्षित नहीं रख पाया। इस संबंध में जो जिला प्रबंधक है अधिकारी का, उनके द्वारा जांच की गई है। जांच के दौरान उस कंपनी द्वारा कई अनियमितता पाई गई, जैसे पानी घुसना, धान इधर उधर बिखर जाना, शुद्ध बुद्ध हो जाना, इस तरह की कई प्रकार की लापरवाही हुई। इस लापरवाही से उस समय लगभग 23-33 टन मेट्रिक टन धान खराब हुआ है, जो करीब करीब 12 करोड़ 8 लाख 66 करोड़ का हुआ। भिंड में पिछले एक महीने में सफेद दूध के काले कारोबार पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर अब तक 50 से ज्यादा दुकानों पर एक्शन लिया गया, जिनमें 98 नमूने कलेक्ट किए गए। इनमें दूध, घी, मावा और कई तरह की स्पेशल मिठाइयों के नमूने शामिल हैं। साथ ही प्रशासन ने 10 दुकानों को सील कर दिया और 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। 4 लोगों को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला बदर भी किया गया। प्रशासन की इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद कई जगह मिलावट का खुला खेल देखा जा सकता है। हमारी टीम के द्वारा लगभग 22 तारीख से 8-10 तारीख तक लगभग 50 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें हम लोगों ने कुल 98 नमूने कलेक्ट किए हैं और उनमें दूध, मावा एवं दूध के अन्य पदार्थ जैसे घी आदि के सैंपल लिए गए हैं, मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। उसके अलावा जो लगभग 10 प्रतिष्ठान हमारे द्वारा सील कर दिए गए हैं और 5 लोगों के विरुद्ध FIR दायर की गई है।
खबर बुरहानपुर से है, जहां डैम के लिए अधिग्रहित खेती की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर 1500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी है। इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है और 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी, जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक डैम नहीं बनने देंगे। हमें आज ज्ञात हुआ था कि एसडीएम मैडम यहाँ आने वाली है, लेकिन किसी कारण उसको नहीं आ पाई। लेकिन जो उर्मिलिया साहब आए थे जल संसाधन से, वो उनसे मुलाकात हुई, उनसे सकारात्मक चर्चा हुई, उन्होंने भी सहयोग किया है। और हमने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम बांध संबंधित अभी आरंभ नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाता। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई आक्षेप या किसी प्रकार का कोई काम करते हो, कानून को धता बता करके गलत तरीके से किसी प्रकार का बांध का काम निर्माण कार्य शुरू होता है, तो हम सब किसानों ने मिलकर के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि अगर हमारी जमीन जाती है और हमारे किसी प्रकार का मुआवजा तय नहीं होता है, तो हम लोग सामूहिक 1500 किसान सामूहिक आत्मदाह करने वाले। ग्वालियर जिले में दिनों कुत्तों का आतंक है। हालत यह है कि रोजाना तकरीबन आधा सैकड़ा लोग खून और कटे फटे घाव लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जानकर हैरानी होगी, लोग किसी लड़ाई झगड़ा या चोट लगने के चलते अस्पताल नहीं पहुंच रहे बल्कि शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के काटने से ये घायल हुए लोग हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 23 जिलों में 494 केस अब तक जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। कुत्ते घूमते रहते हैं, क्या उनकी क्या पकड़ने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, क्या करें। किस तरह की परेशानियां होती है? परेशानी क्या, बच्चों को, बूढ़ों को, लड़कों को कॉलेज जाते हैं, बच्चे कोचिंग जाते हैं, तो उनमें बच्चों को गाड़ी पैसे तो पकड़ती है ना कुत्ते। तो सुबह हमारे आसपास बहुत सारे डॉगी हैं और हमें उनसे डर लगता है, तभी हम बाहर नहीं निकलते। कुत्ते काटने की घटनाएं आ रही हैं और उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। हम लोगों ने वैक्सीनेशन की वाली व्यवस्था प्रॉपर है, हमारे पर्याप्त मात्रा में रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, दोनों तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन और ARV भी दोनों उपलब्ध हैं और तुरंत इलाज दिया जाता है। पूर्ण रूप से हमारे रेबीज क्लिनिक भी हम लोग। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, जेल के अंदर घुसने की कर रहा था कोशिश, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया था। अब तक हम और आप सिर्फ दिल्ली और NCR के प्रदूषण की खबरों पर चिंता जाहिर करते थे, लेकिन अब ये जानलेवा प्रदूषण मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी अपने पैर पसारने लगा है। MP में कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है, सुबह हो या शाम हो हर वक्त स्मॉग नजर आता है। लोग बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली NCR ही नहीं, अब देश के कुछ और राज्यों में वायु प्रदूषण लोगों की जिंदगी में जहर घोलने लगा है। हम बात कर रहे हैं MP की, जहां राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बढ़ते वायु प्रदूषण से हलाकान हो रहे हैं। इसके लिए लोग खराब सड़कों और कचरा जलाने को प्रमुख जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटती हरियाली के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। जिन्हें सांस की बीमारी है, आजकल कुछ दिनों से ये स्थिति आ गई है कि जिनको सांस की बीमारी, उन्होंने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि एयर में इतना पॉल्यूशन है कि जैसी वो सांस लेते हैं उनके फेफड़ों में समस्या होनी चालू हो जाती है। इस बारे में भोपाल कलेक्टर का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण चार पहिया वाहनों से हो रहा है, सभी वाहनों का PUC टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्टडीज हुई है उनके तीन मुख्य कारण आए हैं। सबसे बड़ा कारण जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और खास तौर पर जो अनफिट वाहन है जो चल रहे हैं उनकी वजह से धुआं ज्यादा निकलता है। इधर ग्वालियर में भी वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बना है। ग्वालियर में हवा खराब होने के चलते बच्चे, बुजुर्गों, दमा और अस्थमा के मरीजों पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं शहर के लोग इस बात से नाराज हैं कि लापरवाह बना नगरीय निकाय और जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्वालियर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है शहर में खुदी हुई सड़कें। इन सड़कों पर यातायात के चलते उड़ने वाले धूल कण हवा को जहरीला कर रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर शहर में करीब 12,000 से ज्यादा पुराने डीजल वाहन धुआं उगल रहे हैं। ग्वालियर का AQI लेवल लगातार घातक स्तर पर पहुंच रहा है।
उधर जबलपुर में पॉल्यूशन का स्तर खतरे से कई गुना ज्यादा ऊपर चला गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में जबलपुर में प्रदूषण का स्तर 320 पहुंच गया है। शहरवासियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। जो वाहनों में बढ़ोतरी हुई है जबलपुर में, तो वो सारा कुछ ऐसा कारण मिला के मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा है और इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। शहरों की आबोहवा खराब होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे निपटना भी आसान नजर नहीं आता। जरूरत है लोगों को खुद आगे आने की। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सरकारों और प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी डालते रहेंगे, हवा में फैल रहे जहर से निपटना आसान नहीं होगा। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल मिली है, 5 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। अवैध हथियार के साथ 6 आरोपी यहां गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल भी मिली है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, और क्या जानकारी इन आरोपियों को लेकर मिल पाई है? देखिए, अभी तक क्राइम ब्रांच को जो जानकारी सामने आई कि ये सभी आरोपी पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। धामनोद आए थे, धामनोद से अवैध हथियार लेकर जा रहे थे। इसके पहले भी कई बार ये इस तरीके के जो अवैध हथियार है उसकी पंजाब तक तस्करी कर चुके हैं। इनका एक बड़ा नेटवर्क भी अभी तक सामने आया कि जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ कुछ नेटवर्क सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, खासतौर पर अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के आसपास में सिकलीगढ़ का एक बड़ा अवैध मार्केट का बाजार है। धामनोद, सेंधवा और आसपास के जो जिले हैं वहां से अवैध हथियारों की तस्करी बड़ी मात्रा में होती है। कई बार बड़ी कार्रवाई करने देखने को मिलती है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इन 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास कुछ जिलों से अवैध हथियारों की तस्करी होती है। फिलहाल अभी जो नेटवर्क सामने आया है उसमें बड़ा जो जानकारी सामने आई कि खालिस्तान समर्थकों से भी इनका कुछ कनेक्शन सामने आया है, कुछ व्हाट्सएप चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो उन सब एंगल पर जांच करी जा रही है। लेकिन इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनोवा कार से ये जा रहे थे, बाईपास पर रोककर जांच की गई, मुखबिर से सूचना मिली थी, 12 अवैध हथियार और करीब 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो एक क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ चल रही है, बड़े खुलासे होने की उम्मीद कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन में कल हरि और हर का मिलन होगा। कल देर रात भगवान महाकाल अपनी चांदी की पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर द्वारकाधीश से मिलने पहुंचेंगे। इस दौरान बाबा महाकाल और भगवान विष्णु के बीच वार्तालाप कराया जाता है और पूरे पृथ्वी का लेखा जोखा दिया जाता है। भगवान विष्णु की माला तुलसी भगवान शिव को पहनाई जाती है और भगवान महाकाल की बेलपत्र माला भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंप कर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। माना जाता है कि इसके बाद से विष्णु जी इस पृथ्वी का भार संभालते हैं और देवशयनी 11 तक विष्णु के हाथ में पृथ्वी की सत्ता रहेगी। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने आतिशबाजी पर रोक लगाई हुई है। मत और वैष्णव मत में कभी कभी भिन्नता होती है और जो वैष्णव मत के लोग होते हैं वो शिव की कहीं ना कहीं बुरे या अनादर करते हैं। भगवान शिव ने और वैष्णव ने ये संदेश दिया है कि न मुझ में और न शिव में कोई अंतर है, हम दोनों एक ही हैं। और इस कारण से हरिहर भेंट की एक व्यवस्था अवंतिका के अंदर महाकाल ज्योतिर्लिंग के साथ गोपाल मंदिर का हरिहर मिलन होता है। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020। एमपी में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का मामला आया सामने। ईओडब्ल्यू ने 2 अरब रुपए के घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। मुरैना में अज्ञात कारणों के चलते सड़क के किनारे रखे मवेशी के चारे में लग गई आग। आग इतनी भीषण थी, चंद मिनट में सड़क किनारे रखे 8 से 10 ट्रॉली चारे ने आग पकड़ ली। देवास में चरस लेकर एक युवक जेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। युवक के पास से 5 ग्राम चरस जब्त की गई। कम्बल चोरी के शक में दुकानदार ने 2 लोगों को बंधक बनाकर डंडों से की पिटाई। घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह मामला संज्ञान में है। दतिया में कई दिनों से चल रही खाद की समस्या से परेशान होकर किसानों ने कृषि मंडी के सामने लगाया चक्का जाम। भोपाल में रिजल्ट से पहले राम भक्ति में डूबी बीजेपी। सोशल मीडिया हैंडल्स पर बदला गया बैकग्राउंड। राम मंदिर के साथ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का लगाया पोस्टर। इंदौर में मां की डांट से नाराज होकर एक छात्रा ने खुदकुशी की। मां के मोबाइल चलाने से रोकने पर थी नाराज।
मुरैना में हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूमता नजर आया युवक, युवक की पुलिस से हुई झड़प, पुलिस से छीना रिवॉल्वर। बैतूल की नदी में दो युवकों के शव और एक बाइक मिलने सनसनी मची, पुलिस ने नदी से दो युवकों के शव और बाइक बरामद की है। खरगोन के टोकसर गांव में आज नर्मदा पंचकोशी यात्री नाव के सहारे नर्मदा पार कर पहुंचे। इंदौर में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरों से चोरी की 8 बाइक भी बरामद की गई। गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाना पूरी तरह से बैन है, जिसके बावजूद मुरैना जिले में अधिकारी और नेताओं से लेकर गुंडे बदमाश अपने गाड़ी में शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमते हैं। भोपाल नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जिन बूथ पर थे कांग्रेस के वोटर वहां बीजेपी के इशारे पर कराया गया धीमा मतदान। बालाघाट में धान के भंडारण में लापरवाही, भंडारण करने वाली कंपनी के डायरेक्टर सहित 3 पर मामला दर्ज। उज्जैन में स्कूल में छात्र को डंडे से पीटा गया, छात्र के हाथ और पैर में आई चोट। सतना के पीपरी कला गांव में बंद कमरे में मिला महिला का शव, महिला का पति और बच्चे रहते हैं नागपुर में। रीवा शहर में गाय को किया गया रेस्क्यू, नील गाय को यहां पर वाप छुड़ाकर जंगल छोड़ा गया। बुरहानपुर में डैम निर्माण में अधिग्रहित खेती की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर 1500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की मांगी अनुमति। इंदौर में फर्जी फूड अधिकारी ने 5 महिलाओं से की शादी, फूड अधिकारी बनकर महिला को जाल में फंसाकर शादी की थी। ग्वालियर में लापरवाही से बिजलीकर्मी की गई जान, बिजलीकर्मी करंट की चपेट में आया। एमपी अब तक में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए है।